किसान साथियों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों बात करते हैं इंदौर मंडी की, जो नीलामी की रिपोर्ट है वो किसान साथियों हमारे पास अपडेट होकर आ चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 अप्रैल 2021 की नीलामी की रिपोर्ट, इंदौर मंडी में आज जो माहौल है वो कितनी तेज़ी कितनी नरमी के साथ देखने को मिला है, और जो उठापटक है किसान साथियों वो कितनी देखने को मिली है इंदौर मंडी में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अनुरोध है आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा। अब मैं आपको इंदौर मंडी से लेकर हर एक जानकारी प्याज के भाव को लेकर बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि किसान साथियों अगर प्याज के माहौल की बात करें और रेट की बात करें तो इंदौर मंडी में कैसा रेट देखने को मिला है और जो प्याज का माहौल है वो क्या देखने को मिला है। अगर सुपर क्वालिटी के प्याज की बात करें, ऊपर में बात करें, तो सुपर क्वालिटी का जो प्याज है किसान साथियों वो 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज देखने को मिला है इंदौर मंडी में। वहीं पर किसान साथियों अगर एवरेज माल की बात करें, एवरेज माल इंदौर मंडी में किसान साथियों 600 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला है, और छोटा प्याज, गोल्टा प्याज, गोल्टी प्याज ये सब मिलाकर किसान साथियों 300 रुपये से लेकर 550-550-600 रुपये तक के भाव में देखने को मिला है इंदौर मंडी में। किसान भाइयों ये इंदौर मंडी की बड़ी अपडेट, ताज़ा अपडेट है। अगर ऑल ओवर मंडी की स्थिति की बात करें तो सबसे ऊपर में 900 रुपये 1000 1100 ज़्यादा लाटें बिकती हुई नज़र आई हैं किसान साथियों आज इंदौर मंडी में।